नाटी दुल्हन। मयंक की बीवी नेहा की हाइट बहुत ही कम थी। वो इतनी नाटी थी कि लोग उसका कई बार मजाक बना देते। अरे नेहा, तेरे लिए तो मुझे किचन में टेबल रखना पड़ेगा। माँ जी, इतनी भी नाटी नहीं हूँ मैं, और हाँ, हील्स पहन कर तो बिल्कुल आपके बरोबर आ जाती हूँ। अरे तेरे पापा ने महंगी कार का लालच दे दिया, वरना तो मेरे बेटे के लिए लंबी लंबी लड़कियों की लाइन लगी थी। क्या बताऊँ तुझे, कटरीना फैल थी उनके सामने। पर माँ जी, आपका मयंक भी तो हाइट में कौन सा अभिषेक बच्चन की तरह है जो कटरीना मिल जाती। वैसे भी मेरी और इनकी जोड़ी तो राम सीता की जोड़ी है, राम सीता की। एक दिन सभी खाना खा रहे होते हैं, तभी माँ, दाल बहुत अच्छी बनी है, जरा और देना। रुको जी, मैं लेकर आती हूँ, किचन में है, वैसे भी मैं खड़ी ही हूँ। ये सुनकर सास हंसने लगती है। तुम खड़ी हो या बैठी, एक जैसी ही लगती हो। बस कीजिए जी, अभी हील्स नहीं पहनी है, वैसे भी हील्स पहनती हूँ तो आपके बराबर ही लगती हूँ। एक दिन नेहा सब्जी लेने बाहर निकलती है तो पड़ोसन कहती है, अरे देखो देखो कितनी नाटी है, मयंग तो दिखने में अच्छा है, हाइट भी ठीक ठाक है, फिर क्या जरूरत थी ऐसी नाटी बहू लाने की। दहेज बहन, दहेज, अंधे हो गए थे पैसों के पीछे, अब करे जगह साई। दोनों की बात नेहा सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। आंटी जी, एक बात बताओ, मेरे पापा के पास पैसे हैं, उनको अच्छी लड़की की तलाश थी, ये पसंद आए और शादी हो गई, इसमें मेरा क्या कसूर है जो आप लोग मुझे सुना रही हैं? अरे नहीं नहीं नेहा, हम तो तेरी सास की बात कर रहे थे कि कितनी लालची औरत है। देखिए, वो लालची नहीं है, हाँ उनकी कुछ शौक है जो वो अपने बेटे से पूरा करवाना चाहती है, और देखा जाए तो उसमें उनकी गलती भी क्या है भला। अगर इन्होंने मुझसे शादी की है तो जरूर कुछ न कुछ तो अच्छाई नजर आई होगी ना। और अब ना तो मैं आपकी बहू हूँ और ना ही आपके रिश्तेदारों को मुझसे मिलना है, फिर ये बात समझ नहीं आई कि आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? ये बोलकर नेहा वहाँ से निकल जाती है। नेहा चलो तैयार हो जाओ, हम लोगों को एक पार्टी में जाना है। नेहा तैयार होकर पार्टी में जाती है, जहाँ मयंक का दोस्त उससे कहता है, अरे मयंक, तू लकी है यार, तेरी बीवी की हाइट इतनी कम है कि तुझे बच्चे की जरूरत ही नहीं है, भाभी ही बच्ची जैसी है। और मयंक, मेरी बीवी इतनी कम हाइट की हो ना तो मैं तो घर से बाहर ही ना निकलूं, कहीं फुदक कर चली गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सभी नेहा पर हंसने लगते हैं, तभी पार्टी की जगह पर आग लग जाती है। अरे भागो यहाँ से, जल्दी करो, निकलो यहाँ से। अरे लेकिन बाहर के दरवाजे पर ही आग है, अब कैसे बाहर निकलेंगे, कोई रास्ता भी नहीं है। अरे रास्ता है ना, अगर कोई इस खिड़की से बाहर निकलकर अगर सामने के दरवाजे में आग को बुझा दे तो सब निकल सकते हैं। तभी नेहा उस छोटे से जरोखे से बाहर निकलकर आग को बुझा देती है। अरे वाह, भाभी जी ने तो आज हम सबको बचा लिया। वाह भाई वाह, बीवी हो तो ऐसी, अपने पति ही नहीं बल्कि यहाँ मौजूद सभी की जान बचा ली है इसने। भाई मयंक, माफ कर देना, तेरी बीवी तो सच में कमाल है। मुझे ये बात पता है और मुझे मेरी बीवी पर गर्व है। नेहा मुस्कुराकर अपने पति की तरफ देखती है। कुछ दिनों बाद जब नेहा और उसकी सास मार्केट जाती है, वहाँ पर, अरे भैया ये कपड़ा तो देना, कितने का पड़ेगा? माता जी, ये तो बहुत महंगा कपड़ा है, लेकिन अब बस सिर्फ 2 मीटर ही बचा है, मेरे तो किसी काम का है नहीं ये टुकड़ा, तो आप 100 रुपया ही दे दीजिए। अरे भैया, तो मैं क्या करूंगी इस टुकड़े का, लेकिन वैसे है बड़ा ही सुंदर। तभी नेहा बोल पड़ती है, इसमें तो मेरी पूरी ड्रेस बन जाएगी। ये कहकर वो कपड़ा ले लेती है। अगले दिन नेहा वो ड्रेस पहनकर सास के सामने आती है। अरे वाह नेहा, ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर लग रही है, बड़ी महंगी होगी ना? अरे कपड़ा तो मैंने ही पसंद किया था, बस पूरा नहीं था तो इसने ले लिया। सिर्फ 200 रुपए की ड्रेस है ये पूरी। देखो माँ जी, नाटी होने का भी कम फायदा नहीं है।
जैसे तैसे दिन कट रहे थे। सास और पड़ोसियों के मजाक बनाने का सिलसिला चल ही रहा था कि एक दिन मोहल्ले से जोर जोर से आवाज आती है, हाय रे मैं मर गई, भगवान मैं क्या करूं? अरे क्या हुआ? देखते हैं तो सभी एक हॉल के सामने भीड़ लगाकर खड़े हैं। मेरा बेटा प्रिंस गड्ढे में गिर गया है। पड़ोसन जोर जोर से रोने लगती है कि तभी वहाँ नेहा आ जाती है। रोइए मत, मैं प्रिंस को लेकर आती हूँ। ये बोलकर नाटी सी पतली सी नेहा गड्ढे में घुसकर बच्ची को बाहर ले आती है। अब क्या था, एक बार फिर नेहा के लिए पूरा मोहल्ला तालियां बजाता है। मुझे माफ कर दो नेहा, मैंने तुम्हारी हाइट का कितना मजाक उड़ाया था। कोई बात नहीं मौसी, प्रिंस ठीक है, ये बात है। अब वो दिन आता है जब सास नेहा की तारीफ करती है। वाह बहू वाह, तेरी तारीफ सुन सुनकर तो मैं खुश हो गई। आज तो तूने ये साबित कर दिया कि समाज में इंसान अपने रंग रूप और लंबाई चौड़ाई से नहीं बल्कि साहस और हौसले से काबिल कहलाता है। मुझे माफ कर देना बेटा।